ओके, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डिड नॉट नो, मैंने मेरे पिछले एपिसोड का नाम सोलो लेवलिंग रखा था, जिसका मतलब है कि मैं अभी एक एनिमे देख रहा था जिसका नाम ऑब्वियसली सोलो लेवलिंग था। उसका जो मेन कैरेक्टर था वो अपने आप को हर एक फाइट के साथ इम्प्रूव कर रहा था, अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एक्सेट्रा सब इंक्रीज कर रहा था, बेसिकली लेवलिंग अप एवरी फाइट। सो मेरे सीरीज़ का यही मीनिंग होगा कि हम लोग अपने ज़िंदगी में वील ट्राई टू लेवल अप एवरी एवरी सिंगल डे, वील ट्राई टू मेक एंड काउंट एवरी सिंगल डे। हम अपने आप की ज़िंदगी में डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगे एज मच एज पॉसिबल। सो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 में, और आज है लेग डे। ओके, सो जिम जाने से पहले मुझे एक टॉपिक के बारे में बात करना है जो कि बेसिकली बिगिनर्स के अमंगस्ट होता है। जब लोगों को 2 या 3 महीने होते हैं जिम जाके, तो मैं अपने सिनेरियो में दो एग्जांपल ले लेता हूँ, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए वो है जो मेरी फिजिक देख के बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव 1 to 1.5 years में मेरे फिजिक में उनको कुछ की पॉइंट्स अच्छे लगेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्म्स और लेग्स एक्सेट्रा। और पर्सन बी होगा जो बोलेगा कि ये टाइम स्पैन में तेरी फिजिक बिलो एवरेज है, मैं इतना ट्रेन करके तुझसे बेटर फिजिक बना लूँगा ये टाइम में। तो होता क्या है, पर्सन ए जिसको लगता था कि वो मेरी फिजिक का या किसी की भी फिजिक का उतने टाइम में, थोड़े से टाइम स्पैन में उसका 40-50% बना लेगा, जो कि वो कभी कभार बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक्स। बट अगर वो बाय चांस उतने थोड़े से टाइम स्पैन में उनके एक्सपेक्टेशन से कम मसल पुट ऑन करते हैं, तो बोलते हैं कि यार मुझसे नहीं हो रहा, दिस इज़ वेरी हार्ड, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मैं उसके जैसी सेम चीज़ें करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। और पर्सन बी वो होगा जो बोलेगा कि मैंने सोचा था इसकी जितनी फिजिक 1.5 साल में बनी है उतनी मैं 6 महीने में बना लूँगा, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन से उनका कम मसल पुट ऑन होता है, और दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है कि दोनों क्विट कर देते हैं। सो बिगिनर्स को ये समझना चाहिए कि मसल बिल्डिंग इज़ अ स्लो प्रोग्रेस, उसमें ईयर्स ऑफ हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी लगता है विया वर्कआउट, डाइट्स एक्सेट्रा। सो मेरा यही गोल है लेग डे। क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स के लिए मेन कंपाउंड मूवमेंट होगी लेग प्रेस, और आइसोलेशन मूवमेंट होगी लेग एक्सटेंशन, और उसके बाद हम लोग हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करेंगे। हैमस्ट्रिंग्स के लिए 4 या 5 सेट हैमस्ट्रिंग्स कर्ल के, और बाकी 2 सेट या तो हम RDL से मारेंगे या तो फिर हम लेइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल मारेंगे। सो पहले कंपाउंड मूवमेंट मारते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है और वो सबसे ज़्यादा फन होता है मारने में। ओके, सो अभी मैंने 2 और 3 प्लेट के साथ वार्म अप कर लिया है। अभी पहले वर्किंग सेट के लिए हम लोग 4 प्लेट डालेंगे ऑन ईच साइड 25 kgs के, और इसमें वी लिम फॉर 10 to 12 reps, उसके बाद हम वेट और इंक्रीज करेंगे। जो ये लास्ट सेट होगा 4 प्लेस 25 के, और उस पर 20-20 का अलग अलग साइड पे एक्सटर्नल वेट लगा हुआ है। इस पर मैं 8 से 10 8 रेप्स के बीच में एम करूँगा। सो देखते हैं। Yeah.
एक बार ओके तो मेन रीज़न कि मेरे को कॉर्ड्स के लिए मेन कंपाउंड मूवमेंट के लिए लेग प्रेस अच्छा लगता है इज़ बिकॉज लेग प्रेस पे मेरे को कॉर्ड्स पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है एंडिंग पॉइंट पे जब स्क्वीज होता है तब। और सेकेंडली लेग प्रेस से मेरे बैक पे कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आते, प्रेशर नहीं आता, और उसमें मेरे ग्लूट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे उसमें भी स्टिमुलस मिलता है। और अभी लेग्स कॉर्ड्स के लिए 3 सेट्स हो गए और 3 सेट्स मैं आइसोलेशन के लेग एक्सटेंशन पे मारूंगा, लेकिन उसके पहले मैं हैमस्ट्रिंग्स के 3 सेट्स मार दूंगा क्योंकि मेरे कॉर्ड्स अभी बहुत फटीग्ड है। सो लेट्स गो। ओके सो हैमस्ट्रिंग्स के लिए मैं हैमस्ट्रिंग सीटेड कर्ल के मे बी 3 या 4 सेट्स लगाऊंगा और बाकी के 2 सेट्स मैं या तो लेइंग हैमस्ट्रिंग्स कर्ल्स के लगाऊंगा या फिर मैं आरडीएल्स के लगाऊंगा। इसका मैंने एक वार्म अप कर लिया है क्योंकि मेरे हैमस्ट्रिंग्स में ब्लड फ्लो नहीं था। अभी इसका पहला वर्किंग सेट हम मारेंगे। आई डोंट नो कितना वेट है, 45 kgs। लेट्स गो। तो मेरे कॉर्ड्स के 2 सेट हो गए। मैं पहले सेट में माइक्रोफोन का ऑन बटन दबाना भूल गया तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। अभी इसका एक और सेट और हैमस्ट्रिंग्स के 5 सेट्स हो गए। तो हैमस्ट्रिंग्स का 1 सेट और इसका एक आइसोलेशन मूवमेंट का लास्ट सेट, फिर हम काफ्स के 2 सेट मारेंगे और फिर हमारा वर्कआउट हो जाएगा। सो इसका तीसरा सेट और लास्ट सेट मारते हैं। लास्ट सेट कम ऑन। All I ever needed was to get up off my feet.